साथ ही ये ज्ञानपीठ के मासिक कार्यक्रम वाक में आप सभी बंधुओं, लेखकों, कवियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपको ज्ञात है कि भारतीय ज्ञानपीठ पिछले 2 साल से वाक के अंतर्गत अनेक साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है और इस सिलसिले में लगभग अब तक 24 से ज्यादा संगोष्ठियां यहां पर हुई हैं, अपने समय के बहस तलब मुद्दों पर और साहित्यिक प्रसंगों पर। आज संयोग है कि इस सभा में लोग कम हैं, लेकिन मुझे याद आता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवि जॉर्ज सेफ्रीज ने एक बार कहा था कि मुझे कविता सुनाने के लिए बहुत बड़ी भीड़ की दरकार नहीं है, हमारे 2-3 मित्र भी हों वे मेरे लिए काफी हैं। तो आज का जो ये दिन है, खास तौर से जहां पर हमारी 2 महाविभूतियां हिंदी की और उर्दू अदब की यहां पर मौजूद हैं, वाक का आज का जो आकर्षण है वह है समकालीन कविता, पाकिस्तान की आधुनिक कविता के विशेष संदर्भ में। और आपको विदित है कि इस पर वार्ता प्रस्तुत करेंगे उर्दू अदब के जाने माने आलोचक नाटककार जनाब डॉक्टर शमीम हनफी जी, वे यहां पर उपस्थित हैं। सानिध्य में विराजमान होंगे हिंदी के प्रख्यात आलोचक, निबंधकार, गद्यकार, कल्पकार, संस्मरणकार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, वे यहां पर मौजूद हैं। मैं आदर पूर्वक उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, दोनों महाविभूतियों को, कि वे मंच पर आसन ग्रहण करें। खवातीन और हजरात, मेरी बातचीत एक मिली जुली भाषा में होगी जो मेरे ख्याल में मेरा रोल मॉडल रही है हमेशा से। और अपनी बात शुरू करने से पहले ये मैं कहना चाहता हूं कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसका तो स्कोप है पूरा समकालीन उर्दू कविता, पाकिस्तान के विशेष संदर्भ का इजाफा उसमें यूं कर दिया गया था कि उधर जो कुछ लिखा जा रहा है उससे हमारे यहाँ परिचय कम है थोड़ा सा। लेकिन ये कि मेरा दृष्टिकोण इस सिलसिले में ये है कि हम जब पाकिस्तान की उर्दू कविता कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी बिल्कुल एक अलग रवायत का हम जिक्र कर रहे हैं, अलग परंपरा का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान हम सिर्फ पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम ये कहें मध्य प्रदेश में उर्दू कविता, राजस्थान में उर्दू कविता, हरियाणा में उर्दू कविता। उर्दू का मामला ये है कि ये सब जगह है और कहीं भी नहीं है, तो ये लिखी गई जाहिर पैदा हुई इसी देश में, लेकिन पाकिस्तान की भी नेशनल लैंग्वेज है ये, और कहना चाहिए कि लिंक लैंग्वेज ये भी है वहाँ की, इसलिए कि वहाँ की जो भाषाएं हैं वो तो पश्तो, सराइकी, पंजाबी, सिंधी, बलोची वगैरह हैं। लेकिन एक उर्दू साहित्य का विकास, जब हम इस विषय पर कभी ध्यान देते हैं तो ख्याल आता है कि ये तो चारों तरफ हुआ है, कुछ लिखने वाले पाकिस्तान में रहते हैं, कुछ लिखने वाले इसके यूरोप में रहते हैं, कुछ अमेरिका में रहते हैं, कुछ कहना चाहिए कि फार ईस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, लेकिन उसका गढ़ जो है वो तो भारतवर्ष हमारा अपना मुल्क है। और जाहिर वो हिंदुस्तान कर रहे इत्तेफाक से टीवी पर अभी जश्न रखता हुआ था, उसका एक कवरेज आ रहा था, तो मैंने पाकिस्तान की एक कलाकार आई हुई हैं जो दिल्ली की रहने वाली हैं, उनके फादर, उनके वालिद, पिता उनके प्रेस्टीजियस थिएटर के बड़े कहना चाहिए कि जाने माने मंसूर सईद, तो मंसूर सईद की वो बेटी हैं। मैं जब पाकिस्तान गया था एक सफर में तो उन्होंने टेलीविजन के लिए मुझे इंटरव्यू किया और अपना नाम जब बताया, सानिया सईद ही वहाँ की बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है, ड्रामा आर्टिस्ट, तो मैंने कहा कि भई आपके नाम में सईद क्या है, कहिए ये मेरे वालिद का नाम था, तो मैंने कहा आप मंसूर सईद की बेटी तो नहीं है, कहने आपको कैसे अंदाजा हुआ, मैंने कहा कुछ तो आपकी शक्ल देख के मुझे याद आ गए। दूसरे ये कि आपका लहजा दिल्ली वालों का है,
वो दिल्ली के रहने वाले थे और मेरी उनसे मुलाकात थी, तो साहब वो बहुत खुश हुई मुरार जी। तो बहरहाल कल उसने अपनी बातचीत के दौरान ये कहा कि हिंदुस्तान की जबान उर्दू जो है भारतवर्ष की भाषा है, हिंदुस्तान की जबान। तो मैंने कहा ये इतनी मेरे कानों को ये बात उसकी भरी लगी, इसलिए कि इसी इन्हीं गुनाहगार कानों से एक मतलब मैंने पाकिस्तान के बड़े मशहूर कहना चाहिए कि लिखने वाले, उनकी एक तकरीर सुनी, उन्होंने कहा सर हिंदुस्तान से उर्दू को बिलावली जोड़ा जाता है, ये तो पाकिस्तानी जबान है और ये तो पैदा हुई थी बलूचिस्तान के करीब। तो मैंने उस पर ये कहा, ये मॉरिशस में कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां उन्होंने अपना ये सुनहरी बात उन्होंने वहां कही थी। तो मैंने कहा देखिए ये एक किस्म की आप जो बात कह रहे हैं इसका और सब जवाब मैं नहीं दे सकता सिवाय इसके कि ये आप भरी दोपहर में डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो आपकी बात है इसमें अगर एक भी आपका हम ख्याल कोई हो तो उसका नाम मुझे बता दीजिए। तो सामने ऑडियंस में अहमद फराज भी बैठे हुए थे, अहमद फराज ने वहीं से हाथ उठा के कहा कि शमीम हम तुमसे शर्मिंदा हैं। मैं साहब इस कदर खुश हुआ अहमद फराज की इस बात से, उनकी इस जुरत से, वो पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ आए थे लेकिन उन्होंने अपने ही एक शख्स की ये बातें सुनी, उनका ताल्लुक कुछ वहां का राइट विंग जो रहा उससे था, तो उन्होंने फौरन ही अहमद फराज ने कहा कि शमीम हम तुमसे शर्मिंदा।